यार एक्चुअली मैं बहुत समय बाद चला रहा हूँ ना बाइक, तो ऐसा एड्रेनलिन रश फील हो रहा है हल्के से। मैं ये देखो भाई, ऐसा ऐसा लग रहा है कि क्या पावर है भाई। भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं सेरेमिक प्रो भोपाल पे, और हम लोग जाने वाले हैं अब बाजूका को देखने के लिए। यहाँ पे सामने खड़ी हुई है अपनी बाजूका, भाई क्या शानदार काम कर दिया है। इसके बाद हम लोग PPF कराएंगे क्योंकि लद्दाख जाने का प्लान है मेरा। आयरनमैन के फेस पे जो आया है ना भाई, रिजल्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स है भाई। सेरेमिक कोटिंग के लिए हमने बाइक दी हुई थी बाजूका 2.0 को, और हम लोग जाके रिसीव करने वाले। हमारे साथ है रोमेल, बेकार आदमी, इतना ख़राब आदमी भाई। मैंने बोला अभी सो के उठा था, मैंने बोला भाई मैं रेडी हो रहा हूँ आ जाना। हाँ भैया आप तो तुरंत कॉल कर देना, तुरंत आ जाऊँगा 2 मिनट में, आधे घंटे बाद आया ये। इतनी देर से मैं घर पर बैठा हूँ, इसके चक्कर में कुछ खा भी नहीं पाया, नाश्ता भी नहीं किया, और हंसे जा रहा है कि अरे बस आ ही रहा था, मैं तो बोल देता आ रहा था। चलो खैर, अभी भाई के साथ अपन जाने वाले हैं वापस से मिनाल, और वहाँ से जाके बाइक पिक करेंगे। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक शाइन अलग आ गई होगी, देखते हैं अब क्या हुआ होगा। चलें, चलो पक्का चलें, पक्का। कोई काम तो नहीं और नहीं। अच्छा ठीक है। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं सेरेमिक प्रो भोपाल पे, और हम लोग जाने वाले हैं अब बाजूका को देखने के लिए। अभी आप देख रहे हो शटर गिरे हुए हैं, दुकान बंद है। जैसे आफ्टर पार्टी होती है ना भाई, वो पूरा शटर वटर गिरा देते हैं, क्लब बंद हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह से एंट्री होती है। तो आज ऐसे ही कुछ सिस्टम है, अंदर कुछ काम चल रहा है, इस वजह से हमारी एंट्री दूसरी जगह से होने वाली है। पिछले यार रख के यहाँ से गए थे, बाहर वहाँ से आएंगे ऐसा लग रहा है। देखते हैं चलो चल के कि बाजूका का क्या काम हुआ है, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरा मेकओवर कर देते हैं लोग, पिछली बार भी ऐसा शानदार चेंजेस थे उसमें। तो ये वॉशिंग एरिया है पूरा इनका, और यहाँ पे पूरी कार वॉश होती है। ये देखो ये पूरा सामान रखा हुआ है डिटेलिंग वगैरह का। हाल से क्लब के शटर बंद है। अच्छा PPF के कारण कुछ, हाँ बबल्स या कुछ उसमें डस्ट वगैरह ना है। राइट, ऐसा अपनी बाइक को भी होगा एक दिन, बहुत जल्दी कराएंगे, लद्दाख के पहले कराएंगे। यहाँ पे सामने खड़ी हुई है अपनी बाजूका, भाई क्या शानदार काम कर दिया है। रोमेल भाई क्या बोलते हैं, पूरा लुक चेंज कर दिया भाई, मतलब क्या शाइन आई है भाई। वो ग्लिटर्स उसके इतने शानदार चमक रहे हैं ना, मतलब वो गोल्डन कलर अलग ही खिल के दिख रहा है। भाई से पूछेंगे क्या क्या काम हुआ है, भाई बताएंगे अभी। लेकिन भाई अमेजिंग, खतरनाक शाइन आ गई, बिल्कुल ऐसा ब्रांड न्यू कंपनी से आ रही है बाइक बन के। सब भाई एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बाइक की पूरी ये जो कॉस्टिंग क्या आई है इसके अंदर। इसके बाद हम लोग PPF कराएंगे क्योंकि लद्दाख जाने का प्लान है मेरा, तो मैं नहीं चाहता कहीं भी अभी नई बाइक में कोई रिस्क लेना। इसमें स्टार्टिंग कैसे होती है सर? एक्चुअली आपने जो रिपेंट करवाया था तो हमें ऐसा कहीं लगा था कि आपका प्योर जो अपना कलर है वो क्यूरिंग नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने AT मशीन के थ्रू उसको आईआर क्यूरिंग करी, पहले वॉशिंग होती है, पहले वॉशिंग होती है, उसके बाद हम लोगों ने आईआर क्यूरिंग। अच्छा, एंड देन आपका उसमें क्या होता है? उसमें आपका बेसिकली जो पेंट है जहाँ से अगर वो प्रॉपरली अगर हार्ड नहीं हुआ है तो वहाँ पर हार्ड लगता है। ओके, हम लोग 60 डिग्री टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं लगभग 2 मिनट्स के लिए। राइट, क्योंकि मैं दूसरे तीसरे दिन ही लेके आ गया था बाइक। हाँ नहीं, पिछली बार क्या हो गया था ना, ऑलमोस्ट शायद 1 साल के करीब का टाइम स्पेन के बाद आया था, तो मैंने डिसाइड किया था कि भाई इस बार बिल्कुल रेडी होके सर्वेश भैया को पहले, भैया रेडी हो रही है बाइक, अपन को आना है। ठीक है, तो 2 दिन में आ गए थे, तो इस वजह से पहले उसको हीट करना था। एंड देन उसके बाद ही हम लोगों ने पेंट करेक्शन स्टार्ट किया है। तो पेंट करेक्शन में जो भी स्विल मार्क्स होते हैं, जैसे कि रीपेंट होने के बाद जब उसमें पेपर लगता है तो उससे कुछ स्विल मार्क्स क्रिएट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने फिनिश करी है। एंड देन उसके बाद फिर अगेन वापस गाड़ी वॉश होती है, फिर उसको IPA के थ्रू क्लीन किया जाता है। एंड देन उसके ऊपर नैनो प्राइमर अप्लाई करके लगभग 6 आवर के लिए छोड़ा जाता है।
यहाँ पे एक एक जगह पे भाई अमेजिंग है, मतलब लिटरली वो गोल्ड गोल्ड वाला फील आ रहा है, सोना हो गया वो पूरा, तो वो उसी का कमाल है। और ये बेसिकली ये जो 9H का सैंपल है okay. जो आप पैच देख रहे हैं बीच में, तो ये सिरामिक right. का जो 9H आता है प्योर, ये वो है। ओके ठीक दिख रहा है yes. ये लगभग 20 टू 25 माइक्रोन के आसपास है। ये देखो इवन आई कैन फील दिस कि ये इतने एरिया में वो हुआ है कोटिंग है। राइट नाइस। तो इसके बाद फिर बाइक कंप्लीट होती है। यस सर। अच्छा एंड उसके बाद फिर हमें वापस से आई आर क्यूरिंग करनी होती है। अच्छा आफ्टर ऑल कोटिंग के बाद हमें फिर उसमें आई आर क्यूरिंग करना जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आई आर क्यूरिंग करते हैं तो इसमें आपकी कोटिंग और एक्सपेंड होती है। एक्चुअली हमारी कोटिंग क्रैक नहीं होती है बट वो एक्सपेंड होती है, तो हमें आई आर क्यूरिंग करना हमारे एक प्रोसीजर का मेन पार्ट है। ओके। वारंटी क्या देती है? वारंटी इसमें हम लोग आपको लगभग अगले 2 साल का मेंटेनेंस फ्री है और 3-4 ईयर्स में आपको वारंटी। 2 साल का मेंटेनेंस फ्री है, मतलब पिछली बार की तरह जैसे लगेगा कि कम शाइन हो गई है तो वापस आके करा लो। बिल्कुल, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस चीज के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ओके। और इसका अभी टोटल कॉस्टिंग क्या आ जाना है, मतलब अगर लेन देन की बात कर लें तो? लेन देन की बात देखो, दहेज वहेज हम देने पे विश्वास नहीं रखते, ये दुल्हन आई थी हमारी है ना, तो रेट्स काफी नॉर्मली है। अच्छा, शगुन है, मतलब उससे शगुन देना है। तो ये आपकी गाड़ी कंप्लीट होगी एट जस्ट रुपीज 9000 में ही कंप्लीट हो गया। ओके। विद 2 इयर्स ऑफ मेंटेनेंस। विद 2 इयर्स ऑफ मेंटेनेंस, तो आप कुछ भी नहीं लेना है, कहीं लगे शाइन कम हो रही है तो फिर से आके करा। बिल्कुल ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं पहले भी करवा चुका हूँ सिरेमिक कोटिंग भैया से, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट थे। मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा था कि गाड़ी गंदी खड़ी हुई है, सिर्फ ऐसे करके पानी मारा और पूरी गाड़ी साफ, इतना शानदार वो चीज़ लगती है कि भाई अमेजिंग रिजल्ट रहता है। तो अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि नई बाइक बिल्कुल अब एक्चुअल शाइन कर रही है, वो एक एक चीज़ खिल के दिख रही है। और जो आयरन मैन के फेस पे जो आया है ना भाई, रिजल्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स है भाई। मैंने बोला कि पीपीएफ अभी इतना जल्दी नहीं करना रहेगा क्योंकि पेंट हाँ वापस हो रहा है, तो आफ्टर ऑल जैसे कि अगर आपने रिपेंट करवाया तो उसमें मैक्स टू मैक्स 15 डेज या 20 डेज बाद उसमें पीपीएफ कर सकते हैं। अच्छा, तो लगभग वो आपकी जितना भी पेंट वाले पार्ट्स है, आपकी फेनिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें कवर होती है। ओके। एंड पीपीएफ में आपको एक 7 ईयर्स वारंटी वाला पीपीएफ रहेगा, 7-8 ईयर्स वारंटी हम उसमें। क्या बात है। वो आपको कॉस्ट करेगा लगभग 17,000 जाएगा उसका कॉस्ट, लेकिन वो पक्का ऐसा रहेगा ना कि मतलब वो स्क्रैच भी लगे तो वो स्क्रैच फ्री रहेगा एंड उसमें अपना सेल्फ फीलिंग रहता है टीपी बॉडी के। ओके। जो भी स्क्रैचेस आते हैं वो हीटिंग थ्रू ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, तो सेल्फ फीलिंग हम आपको उसमें देंगे। हाँ, वो क्योंकि लद्दाख में स्क्रैच आएगा, टीका तो लगता ही, नजर का टीका वो लगा के भेजता है लद्दाख, एंड थोड़ी बहुत रोड चिपिंग भी हो जाती है, बहुत छोटी छोटी। हाँ, और इनफैक्ट ये भी है कि हाँ, मतलब मेनली क्या है कि आप कितना ही सेफली चला लो, गिरो पड़ो मत, लेकिन वो जो पत्थर उचक के पड़ते हैं ना गाड़ियों से, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो उसके पहले अपन नहीं कर लेंगे। एटलीस्ट पीपीएफ हो जाएगा तो गाड़ी आपकी एकदम प्रॉपर सेफ रहेगी लद्दाख की राइड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो, अगर सिरेमिक कोटिंग कराना है, पीपीएफ कराना है अपनी कोई भी गाड़ी को, मतलब 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, 3-व्हीलर हो, कुछ भी हो, तो इनसे आके संपर्क करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अब हम लेके जा रहे हैं दुल्हन को आपके यहाँ से। ठीक है। एक तो इसकी आवाज़ भाई प्यार है भाई, मतलब, और आज देखो शाइन कितनी शानदार कर रही है ये, लुक एट दिस आयरन मैन फेस, क्या ग्लो आया है भाई, और एक एक चीज़ गोल्ड जैसी दिख रही है, मतलब ऐसा सोने जैसा चमक रहा है। देखो होंडा का लोगो, बहुत शानदार वर्क हुआ है भाई। चलो एनीवेज इट्स टाइम टू गो, सो चलते हैं नई नवेली बाज़ूका पे, अब नई हो गई है। ठीक है भाई, मिलते हैं, थैंक यू सो मच, सी यू, सेम ईयर भाई, और जल्दी आते हैं, पीपीएफ का भैया बताएंगे तो फिर आ जाएंगे। वो क्या शानदार है भाई, भाई यार
एक्चुअली मैं बहुत समय बाद चला रहा हूँ ना बाइक, तो ऐसा एड्रेलिन रश फील हो रहा है हल्के से। मैं ये देखो भाई, ऐसा ऐसा लग रहा है कि क्या पावर है भाई। वो शायद काफी दिनों से कार चला रहा हूँ ना, तो उसके बाद एकदम आज बाज़ूका निकाली है। तो क्योंकि पिछली बार भी यही फील हुआ था कि जैसा फर्स्ट टाइम पे हुआ था ना कि यार क्या बाइक है भाई, रॉकेट, वैसा ही फील आ रहा है भाई। एक्चुअली सुपर बाइक का फील ना, जब आप सुपर बाइक पे बैठते हो ना, तभी आपको समझ में आएगा। वो ऐसे दूर से तो देख के लगता है कि हाँ भाई चाहिए, लेकिन जब पास में बैठ जाते हो ना गाड़ी पे, तो फिर लगता है भाई चाहिए ही चाहिए, इसको छोड़ नहीं सकते, ये चीज़ रखनी पड़ेगी। क्या आवाज है भाई बाज़ूका की यार, सीरियसली आप सिर्फ सुनो भाई। ऐसा लगता है कई बार मोटर व्लॉगिंग कुछ मत बोलो, सिर्फ आवाज सुनने दो लोगों को बाज़ूका की, कि जब गियर शिफ्ट हो रहा है, जब गियर अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, क्या आवाज आ रही है, उसको खुद बात करने दो। लेट्स गो। ये आवाज सुन रहे हो तुम, पटट 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 पटट। कैसे हो भैया? भैया क्या बना रहे हैं अभी, कुछ देर में आपको पता चलेगा। जो हमेशा अपनी बाइक पे रहता है, एक मतलब आइडेंटिटी सी हो गई है। तो मैं पता है क्या? पता है ना? पता है, अच्छा पता है भाई को, पता है, ठीक है। तो यहाँ कार्यक्रम चालू हो गया है, यहाँ भैया डिज़ाइन कर रहे हैं। देखो भाई, माइंड भी आते हैं, जब भी आते हैं चाय ऑफर कर देते हैं भैया। अभी रोमिल भाई पहली बार चाय पी रहे हैं, अब भैया के आना पड़ेगा, तुमने उनकी चाय पी। नहीं, इनका काम बहुत अच्छा, R15 के टाइम से ही मैं भैया से ही कराता था सारा। तो भाई ये आ गई है अपनी ब्रांडिंग मैजिशियन एडी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम हो गया, थैंक यू महेंद्र भैया, और आएंगे हम। थैंक यू भाई, भाई टेक केयर। महेंद्र भैया का नेचर इतना अच्छा है भाई, मेरे को हमेशा आके इतना पॉजिटिव वाइब आती है उनसे, इतना स्वीट नेचर के इंसान है, मतलब खुश रहते हैं हमेशा। यही देखना है भाई, यही सीखना है। दुख किसके जीवन में नहीं है भाई, सबके जीवन में है। लेकिन वो जो जब आपसे कोई मिले और आप ऐसे ही छवि छोड़ो कि भाई क्या यार, क्या शानदार बंदा है, खुश रहते हैं हमेशा, तो वो एक मैटर करती है चीज़। खैर अभी हम जा रहे हैं 10 नंबर साइड और वहाँ चाय पीते हैं और फिर आगे का देखते हैं क्या व्यवस्था जमानी है।